साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर समसामयिकी के जून का 17 और 18 जून से संबंधित महत्वपूर्ण घटना का। तो ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, खास करके ध्यान रखना है कि इस दिन जो वीडियो में मैंने बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सैड न्यूज है, क्योंकि चीन और भारत के बीच विवाद चल रहा है पूर्वी लद्दाख का जो क्षेत्र है, खासकर गलवान घाटी के आसपास काफी दिनों से विवाद चल रहा है, और जिसके कारण यहां पर अक्सर दोनों देशों के सैनिकों के बीच संघर्ष हो रहा था। लेकिन इसी के संघर्ष का एक अलग चेहरा देखने को मिला कि टेबल टॉक होने के बाद दोनों देशों के बीच शांति के मुद्दे पर सभा के आयोजन के बाद, आपस में बात विचार होने के बाद, फिर से चीन ने दगाबाजी किया और भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया, और जिसके कारण सेना के बीच झड़प हुई और ये झड़प हिंसक झड़प के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसमें बिहार रेजिमेंट वहां पर तैनात थे और बिहार रेजिमेंट के काफी जवान शहीद हो गए। तो ध्यान रखना है कि इस वीडियो में पहला यही एक दुखद समाचार है कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी एक इम्पोर्टेंट जोन बना हुआ है, बहुत विश्व स्तर पर लोग इसको नजर रखे हुए हैं। तो गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प की एक वारदात हो गई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। तो ध्यान रखना है, और 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, शहादत को प्राप्त हुए, जिसमें बिहार के 6 सैनिक भी शामिल है। तो बिहार का अक्सर देश के किसी न किसी क्षेत्र में योगदान रहा है, और एक दुखद और भी समाचार, चूंकि सभी शहीद भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हम लोग का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है देश स्तर पर सामरिक दृष्टिकोण से, लेकिन बिहार होने के नाते 6 बिहारी भी इसमें बिहार रेजिमेंट के थे जो शहादत को प्राप्त हो गए। और खासकर आप लोग को एक चल बता दूं कि ये हमारे इन 6 में से एक जवान जो है, जिनका नाम है जय किशोर सिंह। तो जय किशोर सिंह एक जवान है जो देश की सुरक्षा करते हुए अपनी बलिदान दे दिया, और ये जय किशोर सिंह भारतीय जवान होने के पहले हमारे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हुआ करते थे, और हमारे जो फ्री एजुकेशन चलता है वैशाली में वहां के ये छात्र रह चुके हैं। तो बहुत दुखद घटना है, काफी मैं मर्माहत हूं, और इसके कारण काफी मुझे अलग तरह की फीलिंग हो रही है, जिसके द्वारा मैं किसी भी चीज को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। तो ध्यान रखना है सबके लिए, हम लोग एक उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करें, जहां भी रहें उनके बारे में सोचें, उनके परिवारों को हिम्मत दे, ऐसा हम भगवान से प्रे करें, ताकि उनके फैमिली, उनके माता पिता सबको ताकत मिले, देश से जो सेवा की भाव है वो बनी रहे। और इतना ही से हमारा ड्यूटी खत्म नहीं होता है, सम्मान सिर्फ शोक समा मना लेने से नहीं होता है, देश के प्रति जज्बा बनाए रखना, हम जो भी दायित्व निभाएं, जो भी हमारी ड्यूटी हो, जो भी हमारा काम हो, वो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि राष्ट्र हित के समझ में होना चाहिए, राष्ट्र हित के क्षेत्र में होना चाहिए, कोई भी कदम ना उठाएं जो देश भावना के विरुद्ध चला जाए, तो इनकी शहादत बेकार हो जाएगी। और यही काम आज ज्यादातर भारतीय कर रहे हैं। भारत कभी भी विदेशियों से नहीं हारा, जब भी हारा है अपने लोगों से हारा, यहीं के लोगों ने बाहरी लोगों से किसी न किसी तरह गद्दारी किया, तभी यहां पर अंग्रेज आए, मुगल आए, ऐसे किसी की हिम्मत नहीं है भारतीय सीमा में प्रवेश करने की। तो अगर हम अपनी ताकत को बनाए रखें, एकजुटता को बनाए रखें, हमें कोई हरा नहीं सकता है, ये ध्यान रखना। और ये इनकी शहादत ये प्रमाणित करती है कि हमारी जिम्मेवारी है देश के प्रति और देश की सुरक्षा को बनाए रखने की। तो जय किशोर सिंह को हम नमन करते हैं, साथ ही 20 भारतीय सैनिक जो हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमन, उनकी आत्मा को शांति दे, उनके पूरे परिवार को हिम्मत दे, साहस दे, और हम लोग सब उनके साथ खड़े रहें कदम से कदम, यही हमारी ड्यूटी बनती है। तो चलिए आगे चलते हैं। बिहार से एक न्यूज है जनरल के तौर पर, पेट कोक फर्नेस। तो पेट मतलब होता है पेट्रोलियम कोक, कार्बन का ही एक रूप है जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, और इसको जला करके इंडस्ट्रियों में काम किया जाता है ईंधन के तौर पर। तो ये जब जलता है तो ध्यान रखना, इसके जलने से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, ये गैस, और ये गैस बहुत ही खराब प्रदूषक है और प्रदूषण फैलाता है। आप सुनते होंगे कि ताजमहल जो दूधिया व्हाइट था, आज उस पर पीले धब्बे पड़ गए,
और उसके पीछे इसी का हाथ है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आज ताजमहल की अपनी सुंदरता खराब हो रही है, और इसी सब के चलते सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के चलते बिहार ने इस ऑयल पर रोक लगाने का एक योजना बना लिया कि अब ये ईंधन का इस्तेमाल बिहार में नहीं होगा। बहुत सारे राज्य पहले कर चुके हैं और बिहार भी इस ओर कदम बढ़ा चुका है। तो ध्यान रखना है सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के चलते। अब एक न्यूज और है जनरल मेंशन के तौर पर कि जो हमारा पटना का या बिहार का जू है संजय गांधी जैविक उद्यान, तो ये जैविक उद्यान अभी वर्ल्ड लेवल पर चर्चा में, क्योंकि एक ऐसा चिड़ियाखाना है विश्व का जहां पर सर्वाधिक गेंडा, इतना गेंडा की संख्या दुनिया के किसी जू में नहीं, इसके पहले 12 की संख्या थी और वो था यूएसए अमेरिका का सैन डिएगो। तो सैन डिएगो का जो चिड़ियाखाना है वहां पर 12 गेंडे सर्वाधिक थे, लेकिन अभी हमारे जू में एक मादा गैंडा ने एक बच्चे का जन्म दिया और इसके कारण 12 से संख्या 13 हो गए। और इस प्रकार से ये संजय गांधी जैविक उद्यान वर्ल्ड लेवल पर चर्चा में है कि एक ऐसा जू जहां पर सर्वाधिक गैंडा है विश्व में, वो हमारा पटना का जैविक उद्यान है, ध्यान रखना। इसके बाद दूसरे स्थान पर यह है अमेरिका का सैन डिएगो का जू चिड़ियाखाना जहां पर 12 की संख्या में गैंडे हैं, तो ध्यान रखना है। अब आगे चले तो खेल से एक न्यूज है कि T20 विश्व कप जो होने वाला था अभी हाल फिलहाल में, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करने वाला था, मतलब यहीं पर यह होता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने यह आयोजन करने से मना कर दिया कि हम COVID-19 के प्रभाव में आयोजन नहीं कर सकते हैं, हम इसकी पूरी तरह से व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, संक्रमण का खतरा है। इसके चलते इस खेल को लगभग पोस्टपोन माना जा रहा है कि अब ये T20 विश्व कप इस साल नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन अब ये बोर्ड कह रहा है कि हम कराने में सक्षम नहीं है, हमारे पास वो सुविधा नहीं हो पाएगी जिसके कारण कोरोना से लोगों को बचाया जा सके। तो ध्यान रखना है ये कैंसिल होने के कगार पर, अभी रद्द होने की सूचना नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम मैच नहीं करा पाएंगे। अब यहां एक न्यूज है भारत से, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया, तो ध्यान रखना। तो 8वीं बार है और ये अस्थायी सदस्य, चूंकि आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ते होंगे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, तो पता होगा कि इसमें दो तरह के सदस्य होते हैं, एक अस्थायी और दूसरा अस्थायी। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो सदस्यों की संख्या है ये अस्थाई और अस्थाई, तो अस्थाई की संख्या 5 होती है जो फिक्स है, इसमें बदलाव नहीं होता है, जो है परमानेंट मेंबर 1945 से बने हुए हैं तो वो 5 देश रहते हैं, बाकी अस्थाई है। और अस्थाई की संख्या सिक्योरिटी काउंसिल में 10 होती है, और ये 10 जो होता है वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और ये भारत का 8वीं बार इस अस्थाई में चुनाव हुआ है, और ये चुनाव हुआ है भारत का जो अस्थाई सदस्य के रूप में वो 21 और 22 के लिए, ध्यान रखना है 21-22 के लिए, ये 2 साल के लिए इनका चुनाव हुआ है। और ये ध्यान रखना है कि 8वीं बार, और जबकि पहली बार अगर पूछ दे कि पहली बार कब बना था, तो भारत पहली बार अस्थाई जो सदस्य होता है वो पहली बार बना था 1950 में, और उससे तब से लेकर आज फिर इस बार चुना गया है भारत को, और ये चुना गया है एशिया प्रशांत श्रेणी में, ये ध्यान रखना है एशिया प्रशांत श्रेणी के लिए इसको चुना गया निर्विरोध, कोई और कंटेस्टेंट नहीं था। और यह भी ध्यान रखना है कि बहुत बहुमत से चुना गया, 194 में, ध्यान रखना है 192 में 184 वोट मिले भारत को, जबकि जीतने के लिए 128 वोट ही चाहिए था, तो 184 मतों के साथ भारत बड़ी बहुमत से अस्थायी सदस्य के रूप में फिर से 8वीं बार चुना गया, और प्रयास कर रहा है कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए, जिसके लिए बहुत सारे देशों ने, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने सपोर्ट भी किया। ये एक बड़ा न्यूज है भारत के लिए सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित। एक बिहार से और न्यूज है कि अवधेश नारायण सिंह जो बीजेपी के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो बिहार विधान परिषद जो MLC होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, विधानसभा नहीं, विधान परिषद की बात हो रही है, यहां विधानसभा भी है बिहार में और विधान परिषद भी है, तो बिहार विधान परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इसके पहले भी वो 5 साल के लिए 12 से 17 के बीच काम कर चुके हैं, लेकिन इनको दूसरी बार कार्यकारी, अभी चूंकि इस पोस्ट पर कोई चुनाव नहीं हुआ है, तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनका सभापति के रूप में चुना गया, ध्यान रखना। अब यहां एक न्यूज है अमेरिका से, पटना के एक डॉक्टर निखिल अग्रवाल, नाम याद रखना है,
पटना से न्यूज है तो बीपीएससी वाला एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना है, पटना के डॉक्टर निखिल अग्रवाल जो अमेरिका में डॉक्टर, और इन्होंने अमेरिका में कोविड 19 का जो प्रभाव है उस दौरान काफी बड़े स्तर पर काम किया उन लोगों के लिए, और इसके कारण अमेरिका ने इसको एक अवार्ड दिया है, डेक्स्टर एस लेवी एमडी रेसिडेंस अवार्ड 2020। तो कोविड 19 में काम करने के लिए डेक्स्टर एस लेवी एमडी रेसिडेंस अवार्ड 2020 अमेरिका द्वारा दिया गया, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है अमेरिका न्यूयॉर्क की, तो स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क बफेलो के द्वारा ये अवार्ड से नवाजा गया निखिल अग्रवाल को। तो ध्यान रखना है ये अवार्ड का नाम और इनका नाम, चूंकि पटना से जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखना। 21 जून काफी चर्चा में रहेगा क्योंकि इसी दिन विश्व योगा दिवस भी, कई न्यूज आप पहले इसके बारे में जान चुके हैं। तो 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला, और ये सूर्य ग्रहण विश्व स्तर पर देखा जाए, और पहला बार जो दिखेगा अफ्रीका के कांगो में दिखेगा पहले, और सबसे लास्ट में दिखेगा ताइवान में, भारत में भी लगभग 10:30 से 1 बजे तक ये दिखेगा। तो ये ध्यान रखना है 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, ये पहली जो सबसे पहले सूर्य ग्रहण दिखेगा वो कांगो में दिखेगा, और सबसे लास्ट में दिखेगा ताइवान में, तो ध्यान रखना है। एक और न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, अयोध्या राम मंदिर जो काफी चर्चा में रहा काफी दिनों तक, मामला न्यायालय में चला और न्यायालय के आदेश के अनुसार अब राम मंदिर बनने का प्रक्रिया शुरू हो गया, और इस मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख तय की गई है कि 2 जुलाई को भूमि पूजन होगा और मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ा न्यूज है, चूंकि अयोध्या राम मंदिर हमेशा एक मुद्दा रहा है देश स्तर पर या विश्व स्तर पर, तो भारत के राजनीतिक सांस्कृतिक धार्मिक सभी चीजों से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट इशू है। तो ध्यान रखना है कि भूमि पूजन 2 जुलाई को तय किया गया। एक दवा का नाम आ रहा कोविड 19 के दौर में, एक तो पहले आया था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन तो काफी चर्चा में रहा, और एक नया दवा का खोज हुआ है डेक्सामिथासोज, कोविड 19 में यूज हो रहा, और माना जा रहा है कि यह दवा कोविड 19 में काफी काम कर रही है और लोगों को जीवन बचाने का एक बड़ी भूमिका निभा रही है। तो इस दवा का नाम याद रखना है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का नाम याद रखना है, और डेक्सामिथासोज कोविड 19 के इलाज में कारगर भूमिका निभा रहा है ये कहना है डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का, तो इसका नाम याद रखना है, चूंकि कोविड 19 से ही आजकल सब कुछ जुड़ा हुआ विषय चल रहा। एक खेल से और न्यूज है कि कोविड 19 के प्रभाव के चलते जो टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम है फ्रेंच ओपन जो फ्रांस में होता, तो फ्रेंच ओपन जो 21 सितंबर से शुरू होगा, पहले होने वाला था, टलते टलते कई बार डेट टला और फिर से डेट को घोषणा किया गया है कि फ्रेंच ओपन इस बार 21 सितंबर से शुरू होगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा भारत के फुटबॉल से एक न्यूज है, और वो AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पूर्व कप्तान IM विजयन, तो ध्यान रखना है IM विजयन को, इनको पद्मश्री के लिए नामित किया गया, और पद्मश्री भारत के लिए चौथा सबसे सर्वोच्च सम्मान है किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला, और इस रूप में पद्मश्री से सम्मानित करने के लिए नामांकित किया गया है IM विजयन का, फुटबॉल के पूर्व कप्तान हुआ करते थे, तो ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज और है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो फॉरेन रिजर्व है करेंसी, वो 500 बिलियन डॉलर मतलब 500 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया, ये बहुत बड़ा गुड न्यूज अर्थव्यवस्था के लिए, तो 500 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये इसलिए अच्छा है कि आपको पता होगा कि 1990 में हमारा रिजर्व जो था वो खत्म हो चुका था, और हमारे पास 1 से लेकर 2 सप्ताह के आयात किए जाने वाले वस्तुओं के लिए पैसे बचे हुए थे, मतलब भुखमरी की स्थिति थी भारत में, और इसको देख करके विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर 1991 में नई आर्थिक नीति लाया मनमोहन सिंह की वित्त मंत्री काल में और पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में, और इसके द्वारा नई आर्थिक नीति ला करके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने का प्रयास किया गया, और यह पहला मौका है जब भारत 500 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका, तो बहुत बड़ा हमारे पास अब विदेशी मुद्रा भंडार है, जिससे पता चलता है कि इकोनॉमी या देश का जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी स्थिति में है, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर ध्यान दें कि एक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक जारी किया गया, जो जारी करता है स्विट्जरलैंड के द्वारा किया जाता, तो स्विट्जरलैंड ने जारी किया, और इसमें 63 देशों में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ,
तो प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था का कि किस अर्थव्यवस्था में कितनी क्षमता है प्रतिस्पर्धा करने की, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के इन्वेस्टमेंट, कितना कितना निवेश हो रहा है, इन सबों को आकलन करके ये क्षमता को आंका जाता है। और इस रूप में 63 देशों में भारत को 43वां स्थान, जबकि पहला स्थान प्राप्त किया इस सूचकांक में सिंगापुर ने, ध्यान रखना, दूसरा स्थान डेनमार्क ने और तीसरा स्विट्जरलैंड। तो पहला तो ये ध्यान रखना है सिंगापुर को कि सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में जो प्रतिस्पर्धा की क्षमता है वो वर्ल्ड लेवल पर सिंगापुर की है, भारत 43 स्थान पर, तो ध्यान रखना है। तो यही आज का समसामयिक करंट अफेयर है। वीडियो अच्छा लगे जरूर वीडियो को, चैनल को लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा को शेयर करें। तो फिर मिलूंगा अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।